हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग और कर्फ्यू ग्रस्त बनभूलपुरा क्षेत्र के इमाम मौलाना सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिला अधिकारी और एसएसपी ने सभी लोगों से शहर में अमन और शांति बनाए रखने की अपील की। इसी के साथ ही उन्होंने अपील करते हुए बनभूलपुरा के लोगों से कहा कि वह जिम्मेदार नागरिक बनकर उन लोगों को चिन्हित करने और प्रशासन के हवाले करने में मदद करें जिन्होंने इस आगजनी और पूरे उपद्रव को अंजाम दिया है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि पूरे क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, वहीं प्रशासन अपना राहत सामग्री बंटवाने का काम कर रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी जो स्थितियां हैं वो सामान्य हैं, सभी जगह शांति है। हल्द्वानी में बाकी सारी सर्विसेज को खोल दिया गया है, सिर्फ बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी वर्तमान में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे गए हैं। जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होती जाएंगी हम विभिन्न क्षेत्रों को और राहत देते जाएंगे। अभी हमारा पूरा फोकस ये है कि हल्द्वानी और जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी कहीं किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना हो। अभी स्थिति जो सामान्य है बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़ के बाकी क्षेत्र में हम लोगों को बताया कि कर्फ्यू जो है हटा दिया गया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो एरिया है उसमें समय समय पर पेट्रोलिंग की जा रही है और एक फ्लैग मार्च हम लोगों ने किया था उसमें, तो अब वहाँ पर लोगों में एक विश्वास भी जगा है कि अब इस तरीके की घटना नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ घरों में मतलब इस तरीके की सूचना आई थी कि अभी भी कुछ इस तरीके के हथियार या वो चीज़ें हो सकती है, उसकी तलाशी चल रही है। कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो पूछताछ के लिए बुलाए गए, उन लोगों से पूछताछ हो रही है, जो सीसीटीवी और बाकी एविडेंस उसके आधार पर बाकी संदिग्धों की पहचान कर रहे हैं हम लोग, और इस मामले में जो बाकी नामजद अभियुक्त जो फरार है उनकी धरपकड़ के लिए जो हमारी टीमें हैं काम कर रही है।